दोस्तों वेलकम टू द चैनल। ये देखिए आपके सामने बहुत ही एक सुंदर फॉलिएज प्लांट है कैलाथिया का। मैं आज आपको मेरा जो कैलाथिया और मरांटा का कलेक्शन है वो आपको दिखाऊंगी। सबका तो नाम मुझे एग्जैक्ट साइंटिफिक नाम मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत अगर पता है तो कुछ बोलूँगी और इनके केयर एंड टिप्स के बारे में भी बोलूँगी और मैंने क्या परेशानी फेस किया गर्मी में इन लोगों को बचाने में वो भी आपको बोलूँगी। अभी सीज़न अच्छा हो गया इन सब के लिए। ये देखिए ये कितना सुंदर से ब्लूम हो रहा है। इसका एक्चुअली मैंने परचेज वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये इसी पॉट में आया था, मैंने सिर्फ इसका सॉइल चेंज कर दिया है। मैंने इसमें कोकोपीट ज़्यादा और सैंड और कोकोपीट ज़्यादा दे दिया है। पहले बहुत स्टिकी सा मिट्टी था इसमें और बहुत न्यू शूट्स ये डेवलप कर रहा है और मैंने इसको अपने दरवाजे के सामने रखा है ताकि डायरेक्ट लाइट आ जाए। फिर ये देखिए ये कैलाथिया का ये वेराइटी बहुत ही सुंदर है और ख़रीदने का टाइम में यह प्लांट काफ़ी बड़ा था, मैंने इसको डिवाइड किया था। सो मेरे पास और एक प्लांट है। गर्मी के टाइम में मेरे यहाँ बहुत गर्मी था, अगस्त में बहुत ही ड्राई था एयर और कैलाथिया जो लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका का प्लांट है इसको ये रेन फॉरेस्ट में ग्रो होता है तो इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। तो उस टाइम में ये देखिए इसका टिप्स, मैं इसको अंदर भी नहीं रख सकती थी क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी था और बाहर भी नहीं रख सकती थी क्योंकि जल जाता था, फिर भी देखिए इसने सर्वाइव किया। फिर ये देखिए ये वाला वैरायटी, ये मैं अपने बरंदा में रखती हूँ। ये काफ़ी पुराना प्लांट है मेरा और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसमें थोड़ा जब धूप ज़्यादा आ जाता है, अभी देखिए दोपहर का टाइम है तो ये अपना पत्ता थोड़ा ये फोल्ड कर लेता है। ये मरांटा वैरायटी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब गर्मी ज़्यादा होता है या पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो ये अपना पत्ता फोल्ड कर लेता है और शाम के टाइम में भी मरांटास ये करते हैं। सो ये प्लांट भी मेरे बरंदा में रहता है। सो हाफ एन आवर का ऐसा इसमें धूप आता है लेकिन ये कैलाथिया एंड मरांटा दोनों का रख रखाव ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए मैं दोनों एक ही साथ आपको दिखा रही हूँ और दोनों में सॉइल भी एक ही चाहिए और पानी वानी का रिक्वायरमेंट भी सेम है जो मैं आपको अभी बताऊँगी। ये देखिए ये एक प्लांट से मैंने चार पाँच प्लांट ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसको हम ट्राइस्टार प्रेयर प्लांट भी बोलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। सो फ्रेंड्स ये हम लोग इसको ब्राइट लाइट चाहिए होता है पहली बात तो है। सो इसको अगर घर के अंदर आप रखते हैं तो कोई ईस्ट या साउथ फेसिंग विंडो के सामने आपको इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट थोड़ा भी आता है, मेरा देखिए 10-15 मिनट का यहाँ सनलाइट आता है तो इसका कुछ कुछ पत्ते में टिप्स भी बर्न है। सो ये एक प्रॉब्लम है। विंटर का सन में इतना प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो अभी भी मेरे यहाँ काफ़ी गर्मी है सो गर्मी का जो धूप है उसमें 10-15 मिनट में भी ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसको ऐसा जगह रखिए जहाँ पर सनलाइट थोड़ा भी ना आए लेकिन ब्राइट लाइट जो है वो इसको अच्छा से मिले और खुली हवा इसको मिले और इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। सो गर्मी के दिन में मैं इसको एवरी डे इसके पत्ते को स्प्रे मिस्टिंग करती रहती थी ताकि थोड़ा ठंडा भी रहे ये। फिर वाटरिंग मैं इसको देख के करती हूँ। पत्ते को तो मैं शावर करा देती हूँ गर्मी के दिन में, ठंडे के दिन में बहुत कम वाटरिंग करती हूँ। गर्मी के दिन में मैं इसका सॉयल चेक कर लेती हूँ, अगर ऊपर का सॉयल सूख गया या 1 इंची या 1.5 इंची ऊपर में सूख गया तब मैं इसमें पानी देती हूँ। लेकिन प्लास्टिक के पॉट में अगर है तो सॉयल सूखने में बहुत टाइम लगता है। सो मैं आप सपोज आप समझ लीजिए कि मैं वीकली एक बार पानी देती हूँ इन सब में। और मरांटा में अगर पानी को चाहिए प्लांट को तो उसका पत्ता मुड़ जाता है। और भी देखिए ये एक वैरायटी है, अभी जो दिखाया उसी का और एक वैरायटी है, इसका पत्ता उससे लंबा होता है और इसमें सिर्फ देखिए फ्रंट में उसमें 3 कलर था, इसमें 2 ही कलर है, देख पा रहे हैं आप। और इसका पत्ता काफ़ी लंबा सा है, थोड़ा शार्प है और देखिए इसमें न्यू कितना शूट्स आ रहा है, पूरा प्लांट अभी भर रहा है न्यू शूट्स से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रोपागेशन मैं सबसे इजी मानती हूँ। इसको आप पॉट से निकाल लीजिए, प्लांट को निकाल के इसको रूट्स से आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, रूट को अभी प्लांट को अच्छा से मिट्टी हटा लेती हूँ रूट्स से, कुछ नहीं होता, ये हार्डी प्लांट्स होते हैं। फिर जो भी 3-4 न्यू
ग्रोथ होते हैं सेपरेटली, उन सबको मैं विथ रूट्स सेपरेट कर लेती हूँ. जैसे हम लोग सिंगोनियम को सेपरेट करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं. तो मैं अभी थोड़ा रुक रही हूँ, ये प्लांट पूरा, ये प्लांटर पूरा भर जाए उसके बाद मैं इसको इससे 3-4 न्यू प्लांट्स बना लूँगी, जैसे मैंने ट्राइस्टार को बनाया. फिर देखिए इस प्लांट, ये इसको मैंने ऐसे ही छुपा के रख दिया था क्योंकि ये प्लांट मैं जब लाई थी तब ये बहुत ही डेलिकेट कंडीशन में सिर्फ एक ही पत्ता था इसमें. अभी देखिए पूरा गर्मी ये अच्छा से झेल गया, और क्योंकि ये मैंने इसको बड़े बड़े फिलोडेंड्रन के पीछे अंदर छुपा के रखा था, और ये रेन फॉरेस्ट में ऐसे ही बड़े बड़े ट्रीज के नीचे ग्रो होते हैं. सो इसको ऐसा एटमोसफेयर पसंद है, और इसमें देखिए एक भी बर्निंग सेंस नहीं है स्पॉट्स, और न्यू लीव 2-3 न्यू लीव ग्रोथ हो रहा है, आप देख पा रहे हैं. और ये जल्दी विद इन 15-20 डेज पूरा पॉट मेरा भर जाएगा, तब मैं इसको अंदर लेके आऊँगी, क्योंकि सर्दी के टाइम में ये अंदर अच्छा से रहेगा. मैं इसको कई ऐसा विंडो के सामने रखूँगी जहाँ पर आपका 1 घंटा का फिल्टर्ड सनलाइट आ जाए. उसके बाद देखिए ये और एक बहुत ही सुंदर वैरायटी है, ये भी मैं 2 पत्ता जब था तब मैं लाई थी. अभी देखिए पूरा प्लांटर ये भर गया, और इससे मैं अभी बेबी प्लांट्स भी निकालूंगी, नहीं तो ये फिर रूट बाउंड हो जाएगा. और ये बहुत ही ये भी बहुत सुंदर प्लांट है. और यहाँ पर आपका बहुत ह्यूमिड एरिया है जहाँ पर ये है, मेरे ऊपर एरिका पाम्स है, नीचे काफ़ी प्लांट्स एक साथ ग्रुप में है, और काफ़ी यहाँ पर नमी बनी रहती है. सो ये कलाथिया मेरांटा को ये बहुत ये क्लाइमेट बहुत इन सबको पसंद है. और मैं बाकी प्लांट्स को जब पानी देती हूँ इन सब में थोड़ा पानी का छिड़काव आ जाता है. फिर ये देखिए ये मेरा बहुत ही पसंदीदा कैलाथिया का प्लांट है. इसको मुझे एक नर्सरी में ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया था, बहुत ही चीप रेट में 30 या 40 रुपीस में मिला था. फिर मैंने इसको ये जब भर गया तो इससे मैंने और एक प्लांट भी बना लिया, और देखिए ये बहुत अच्छा से चल रहा है, और अभी न्यू शूट्स भी आ रहा है. और अभी मैं इसको रिपॉटिंग करूँगी, कोई सेरामिक के पॉट में इसको डाल के मैं इसको अंदर लेके आऊँगी. मैं सर्दी के टाइम में कैलाथिया अंदर लाती हूँ. और ये देखिए ये वाला है न्यू जो मैंने बेबी प्लांट्स से बनाया है, ये भी बहुत अच्छा प्लांट बन गया. अभी तो सर्दी के टाइम में मेरे जो बेडरूम है और मेरे ड्राइंग रूम में बहुत अच्छा 1-2 घंटे का धूप आता है और फिल्टर सनलाइट आता है, तो कैलाथिया को ब्राइट लाइट्स बहुत पसंद है. तो डायरेक्ट धूप नहीं आता है, सो इसका टिप्स भी बर्न नहीं होगा, और मुझे मेंटेनेंस में भी इजी होगा, और घर भी सुंदर दिखेगा. उसके बाद ये देखिए ये वैरायटी मरांटा का मुझे बहुत पसंद है. इसको शायद मरांटा ऑर्नेटा बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर नाम इसको लेके. ये आपने बहुत दिन देखा था, मेरे इंडोर में था ये, जब मैं बाहर गई थी तब इसको मैं बाहर मेरा जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर छोड़ के गई थी, और ये बहुत अच्छा से ग्रो हो रहा है. इससे मैंने ऑलरेडी 2-3 न्यू प्लांट्स बनाया हुआ है, इसलिए प्लांटर थोड़ा खाली खाली लग रहा है. ये बहुत सुंदर है, और ये इंडोर बहुत अच्छा से चलता है, और इसका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है. ये शाम के टाइम में पूरा इसका पत्ता बंद हो जाता है, जो देख के बहुत अच्छा लगता है. सो ये वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट्स है, और घर में बहुत एक ब्यूटी ऐड करता है ये इंडोर प्लांट. सो ये हो गया एक वैरायटी. इसका भी प्रोपागेशन सेम है, आप इसको रूट बॉल से सेपरेट कर सकते हैं. जो जो न्यू बेबी प्लांट्स निकलेंगे, पॉप्स निकलेंगे, इसको आप रूट बॉल को खोल के पॉट से खोल के उससे सेपरेट कर सकते हैं. फिर ये देखिए ये बहुत ही वेलवेटी टच है इसका. ये कैलाथिया भी मुझे बहुत पसंद है, इससे भी मैंने ऑलरेडी 2 प्लांट्स बनाए हैं, इसीलिए इसका पॉट भी अभी खाली खाली लग रहा है थोड़ा. तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन ये थोड़ा फिनिकी है. इसका मेंटेनेंस थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट मिला, क्योंकि इसमें मैं एवरीडे अगर मैं मिस्टिंग नहीं करती हूँ तो इसका पत्ता थोड़ा सूखने लगता है, क्रिस्पी जैसा होने लगता है. बीच में एक बार ये बहुत ख़राब हालत में आ गया था, फिर मैंने इसको बाहर मेरा ये ट्रॉपिकल एरिया में मैंने रख दिया था, फिर अच्छा से रिकवर किया ये. अभी तो देखिए न्यू शूट्स, ये न्यू लीफ है, न्यू लीफ अच्छा से ग्रो हो रहा है. और इसका सॉयल देखिए, मैं आप जो भी कैलाथिया या मरांटा लगाएंगे आप 40% कोकोपीट, 30% सैंड एंड 30% कंपोस्ट में लगाइए, और वाटरिंग वीकली एक बार कीजिए, और लीव्स वगैरह में आप
ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे मिस्टिंग कीजिए, क्योंकि कैलाथियस को ह्यूमिड एटमोसफेयर बहुत पसंद है, और अगर आपको वहाँ बहुत ड्राई एयर है तो आप एक पेबल वाला ट्रे इसके सामने रख दीजिए, नहीं तो आप पेबल वाला ट्रे के ऊपर ही अपना प्लांटर रख दीजिए। और ये देखिए, ये कैलाथिया जेब्रिना है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। ये प्लांट बहुत एक रेस्क्यू प्लांट है, आप समझ लीजिए। नर्सरी में मुझे खराब हालत में मिला था, अभी मैं लाई हूँ और यहाँ पर मैंने रख दिया। अभी देखिए ये मरते मरते बच गया, और अभी न्यू शूज़ भी निकल रहा है। सो अभी मौसम भी अच्छा आ रहा है, तो ये धीरे धीरे अच्छा से ग्रो कर जाएगा। फिर ये और एक है, इसका भी हालत बहुत ख़राब था गर्मी में। ये मैं एक बड़ा प्लांट लाई थी, फिर गर्मी में ये सूखते सूखते ऑलमोस्ट इतना छोटा हो गया। फिर देखिए मैंने इसके साथ भी थोड़ा, इसको भी थोड़ा TLC दिया। फिर अभी जो न्यू शूज़ निकल रहा है उसमें बार्निंग भी नहीं है, ये देख सकते हैं आप, बार्निंग नहीं है, और अभी ये प्लांट फिर से ग्रो हो रहा है। सो ये, और जब ये बढ़ते हैं काफ़ी जल्दी बढ़ जाते हैं, तो ये काफ़ी जल्दी ये छोटा पॉट भर जाएगा आई एम श्योर। तब मैं इसको बड़ा सा एक अच्छा सा पॉट में शिफ्टिंग कर दूँगी। तो और इसमें मैं हमेशा एवरी डे मिस्टिंग करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप सॉयल बनाइए कोकोपीट सैंड और वार्मी कंपोस्ट से। उसके बाद आप एवरी ऑल्टरनेट डे इसमें मिस्टिंग कीजिए। सर्दी के टाइम में पानी बहुत कम दीजिए, गर्मी के टाइम में पानी चेक करके वीकली एक दो बार पानी दीजिए, और इसको बहुत ही ब्राइट एरिया में रखिए। डायरेक्ट सनलाइट आने से टिप्स बर्न हो जाएगा, लेकिन ब्राइट लाइट चाहिए, तो इसको ईस्ट या साउथ फेसिंग विंडो के सामने रखिए। अंधेरा जगह में ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, और इसको ह्यूमिडिटी इसमें बनाए रखिए। और ये वाला मेरा लास्ट कैलाथिया है, इसको भी मैं दरवाजे सामने रखती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। ये भी गर्मी झेल गया, थोड़ा टिप्स बर्न आपको दिख रहा है, लेकिन अभी ये न्यू शूज जो निकल रहा है बहुत सुंदर से निकल रहा है। सो ये सब अभी इन सब का डिफिकल्ट पीरियड ख़त्म हो गया, और ये जो बर्निंग आप देख रहे हैं पत्ते में, ये अभी धीरे धीरे जब ये पत्ता झड़ जाएगा और न्यू शूज आ जाएगा, तब न्यू फ्रेश लीव्स आ रहा है, आप देख ही पा रहे हैं। सो अभी इसका सीज़न अच्छा से आ रहा है, अभी इसका देखभाल इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा। ऐसे भी अगर आप को इसका लोकेशन अच्छा से आप रखते हैं और आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, देन कैलाथिया और मरांटा बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस, थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।